दिवस, लेकिन ऐसा लगता है कि ये चंद लोगों की जिम्मेवारी ही है। हर साल जितने लोग इस चौराहे पे रहते हैं, इस साल भी उतने ही लोग इस चौराहे पे हैं। बड़ा अफसोस लगता है, बार बार हम लोग इस बात को बोलते हैं, बच्चों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे लोग अपने अपने घर जाए तो कम से कम गार्जियन को जरूर कहें कि झंडा उत्तोलन है, स्कूल पे चलिए, पंचायत भवन पे चलिए, मदरसा में चलिए, चौराहे पे चलिए। लेकिन आज त्योहार ऐसा, आज का दिन तो ऐसा होना चाहिए कि जैसे 1 जनवरी के दिन हुड़दंग होता है, वैसे ही हुड़दंग होनी चाहिए कि आज हर्षोल्लास की मेरा गणतंत्र दिवस का दिन आज हमारे देश का है। संविधान पारित हुआ आज के देश, आज जिस संविधान से हम लोग चलते हैं, जिस संविधान से चैन की नींद सोते हैं घर में, जिस संविधान से लोग हम लोग आज सड़क पे निकल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बड़ा से बड़ा जिस संविधान से काम कर रहे हैं, बड़ा से बड़े गुनहगार को सजा मिल रहा है, उसी संविधान से हमारा आज देश चल रहा है। और सिर्फ संविधान बना के किसी ने दे दिया, कुर्बानी दे दिया, शहीद हो गए, और हम लोग उस संविधान की किताब को लेके बैठे हुए हैं। बहुत अफसोस लगता है कि जिसकी जिम्मेवारी है वो करेगा नहीं। हम आम नागरिक की जिम्मेवारी है, एक एक आदमी की जिम्मेवारी है कि हमारा समाज, हमारा देश कैसे सुरक्षित रहेगा। प्रशासन या जनप्रतिनिधि या कुछ गणमान्य लोग, हमारे समाज सेवी लोग के अगर भरोसे छोड़ दिया जाए तो हमारा देश, हमारा समाज सुरक्षित नहीं रह सकता है। वो कहां तक इसका पीछा करेंगे। आज बलात्कार की घटना हो रही है देश में, डकैती की घटना हो रही है सब जगह। क्यों हो रही है? क्योंकि हम जागरूक नहीं है, हम पुलिस पे छोड़े हुए हैं, हम कुछ समाज के जागरूक लोगों पे छोड़े हुए हैं। लेकिन अगर एक एक आदमी जागरूक हो जाए, एक एक समाज का आदमी जागरूक हो जाए कि कानून को चलाना हमारा काम है, कानून व्यवस्था देखना हमारा काम है, तो हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसी बुराई हमारे समाज में होगी। अगर कहीं भी कोई घटना घट रही है, हम जागरूक होकर के उस घटना को गंभीरता से ले लें। एक एक बच्चे की बात कर रहे हैं, एक एक लोगों की बात कर रहे हैं, एक एक समाज की बात कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि ये उनका काम है, पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी, जनप्रतिनिधि आएंगे पकड़ के ले जाएंगे, गणमान्य लोग समाज के हैं वही इसको सजा देंगे। नहीं, हम अगर जागरूक होंगे तो कहीं कोई घटना नहीं घटेगी, जैसा कि मेरा मानना है। किसी पे गलत गतिविधि बनने लगते हैं तो हम सब लोग एक जगह हो, हम सबको खबर करें, हम भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अगर कोई घटना घटती है, एक्सीडेंट होती है, दुर्घटना होता है, जैसे हम लोग दौड़ जाते हैं, बहुत सारे लोग दौड़ जाते हैं, तो उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई घटना में घायल होता है, हॉस्पिटल पहुंचता है, सही समय पर पहुंचता है तो वो बच जाता है। तो जैसे हम दुर्घटना में दौड़ जाते हैं, वैसे किसी भी चीज पर हम लोग को नजर रखनी चाहिए। अफसोस होता है कि जो शहीद हो गए, शर्मिंदा होता होगा उनका आत्मा, उनका रूह, कि हम किस देश के लिए शहीद हुए, कि आने वाले आदमी हम लोगों का मान सम्मान में, श्रद्धांजलि में, कम से कम किसी चौराहे पे, किसी स्कूल पे 1500 आदमी खड़ा होकर जमा नहीं होता है, कोई हमें श्रद्धांजलि नहीं देने को आज है। छोटे छोटे बच्चे जिसकी जिम्मेवारी है, जो स्कूल में पढ़ते हैं, जिनको सिखाया गया जन गण मन, बस वही लोग आते हैं, कुछ समाज के गणमान लोग रहते हैं। बड़ा अफसोस लगता है, तो वो शहीद जो देश के लिए हुए हैं, वो शर्मिंदा होते होंगे कि किस देश के लिए हम शहीद हुए, कैसी कुर्बानी हम दिया, कैसी जान हमारी प्राण गई, कैसे प्राची पलटे, कैसे नदी में कूद के अपनी जान दे दिया, कैसे अंग्रेजों को चकमा दिया। एक भी चकमा, एक भी श्रद्धांजलि हम लोग अगर सही से देखा जाए तो हम लोग नहीं देते हैं, सिर्फ हम लोग बात बनाते हैं। सरकार की कोई राशि लेनी हो, सरकार का कोई बेनिफिट लेना हो तो एक लाइन लग जाता है, हजारों की संख्या में लोग लाइन लगा देते हैं। लेकिन हमारी अगर जरूरत, हमारे देश की जरूरत है, तो हमारे समाज के लोग, बहुत ज्यादा अधिकतर लोग इसमें नहीं आते हैं। बहुत अफसोस लगता है इस बात का, दिल रोता है, कलेजा रोता है, दिखाने का नहीं होना चाहिए देशभक्ति, देशभक्ति दिखाने का नहीं, देशभक्ति करने का होता है। लेकिन मैं बार बार बताऊंगी, बस मैं मुखिया आलू कल नहीं रहूंगा, जो मुखिया रहेंगे वो आके झंडा उत्तोलन करेंगे, गणमान लोग करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि मैं बार बार चिल्ला के कहता हूँ कि एक एक घर पे, जैसे हम 25 जनवरी का अंग्रेजों का त्योहार लाखों लाख रुपए खर्च कर देते हैं, 1 जनवरी को हजारों हजार लाखों खर्च कर देते हैं, एक एक मकान पे आज के दिन में तिरंगा झंडा होना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है, किसी मकान पे तिरंगा झंडा नहीं है। गलत है ये, कैसे मैं समझाएगा पूरी दुनिया को कि मेरे देश की आजादी की 150 आजादी मनाई जा रही है, रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है, गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, हम अपने देश से कोई मैसेज नहीं छोड़ रहे हैं। जिसकी जिम्मेवारी है वही अपना काम करने चले जा रहे हैं। सरकार के झंडा कहा गया है, लोग फड़ा के सरकार के आदेश पे लोग आजकल झंडा फड़ाते हैं। अपने दिल में जज्बा मोहब्बत नहीं है लोगों में, बहुत कम लोगों में है, बहुत चुनिंदे लोगों में। अफसोस होता है, शर्म आती है कि कुछ कुछ जिम्मेवारी कुछ जनमान लोग और कुछ अच्छे पढ़े लिखे बच्चे लोगों के ऊपर छुपा हुआ है, बाकी किसी पर जिम्मेवारी नहीं, कोई जिम्मेवारी को लेना नहीं चाहता है।
आज मेरा देश चैन की नींद, हम सोते हैं घर में बहुत आराम से सोते हैं, लंबा लंबा चाय की दुकान पे भाषण देते हैं, लेकिन उस सेना के बारे में आपको पता है, जीरो डिग्री सेल्सियस बर्फ के अंदर बैठ करके मेरी हिफाजत कर रहा है। हम उसको सैल्यूट देने के लिए भी हम नहीं है 10 मिनट निकाल सकते हैं। अभी पता हो जाए कि 50 रुपया सरकार की तरफ से बंट रहा है, 500 रुपए का मजदूरी छोड़कर 3 बार मानव श्रृंखला की तरह लाइन लगा करके 50 रुपया लेके जाएंगे, सरकार का चीज है, कैसे नहीं लेंगे मुखिया जी, क्यों नहीं मिलेगा हमको और क्यों नहीं मिला हमको? एक भी आदमी आए मुखिया जी कै बजे झंडा उत्तोलन है, किसी ने पूछा, किसी ने कॉल किया, कोई नहीं, किसी ने संपर्क नहीं किया, क्योंकि इससे किसी को मोहब्बत नहीं है, चाहे वो कोई हो, चुनिंदे लोगों को मोहब्बत है, चुनिंदे लोगों के बांस का खूंटा बन करके अपने देश की खुशी को संभाल के रखे हुए हैं, जो बांस एक बांस का खूंटा, हम चाहते हैं कि पूरे बांस का भोजा बन करके अपने देश को संभाल कर रखे, लेकिन ये चीज नहीं होगा। बच्चों, मैं बच्चों से गुजारिश करता हूँ, पढ़े लिखे विद्यार्थियों से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से हम 1 जनवरी मनाते हैं, अंग्रेजों का त्यौहार कैलेंडर के हिसाब से मनाते हैं, 25 दिसंबर जिसे हम त्यौहार मनाते हैं, उसी तरीके से जिसे छठ दिवाली उससे भी बड़ा त्यौहार है, ये गणतंत्र दिवस या स्वतंत्र दिवस के सामने दुनिया का किसी समुदाय का कोई त्यौहार नहीं है। पहले मेरा देश, पहले मेरा झंडा, पहले मेरा तिरंगा, पहले हमारा हिंदुस्तान, फिर कोई। इसलिए भाई अपने भाइयों से, बड़ों से, बुजुर्गों से गुजारिश करता हूँ, विद्यार्थियों से भी गुजारिश करता हूँ कि आने वाला जो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, मतलब देश का कोई भी त्योहार हो, जश्न आजादी की तरह मनाया जाए, मनाया जाए, इसमें मतलब कि मेरा देश आजाद हुआ है, मेरा संविधान लिखा गया है, ऐसे त्योहार